हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। टॉप 20 जो क्वेश्चंस आज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के 20 में से 20 क्वेश्चंस सही होंगे। 1914 में स्थापना हुई, 1920 में, 1896 या फिर 1924 में YMCA कॉलेज की स्थापना हुई। राइट आंसर आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, 1920 बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्नाइपर्स का साई में विलय कब हुआ? इसका विलय कब हुआ था? 1984 में विलय हुआ, 1987, 1982 या फिर 1985 में इसका विलय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी का होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स का गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? अब बताइएगा, जो शारीरिक शिक्षा यह किसने शुरू की? फ्रेडरिक जॉर्ज ने शुरू की, फ्रेडरिक जॉन ने शुरू की, जॉर्ज डेविड ने शुरू की, या फिर इनमें से सभी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की गई कि ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिएगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। और आज के न्यूज़पेपर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, और कल एक नोटिस भी आई थी यूपी टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का 7000 प्लस वैकेंसीज का अध्याचन दोबारा मांगा गया है, क्योंकि इसका कार्य प्रगति पर है और ये वैकेंसीज आपको जून के पहले तक देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए अभी से आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको 6-7 महीने तैयारी के मिल जाएंगे तो आप अच्छे से रिविजन भी कर पाएंगे एग्जाम के 1 मंथ पहले। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और टीजीटी के बैच के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए 700 रुपीज का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेंगे, यहां पे क्या होगा? फ्रेडरिक जॉन होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रेडरिक जॉर्ज भी बहुत से स्टूडेंट्स ने टिक किया होगा, बी उत्तर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। अब बताइएगा, PM जोसेफ, SP चोपड़े, JS नरुका या फिर एस श्रीवास्तव? बताइए राइट आंसर। यहां पे LCPE की बात की गई है तो उत्तर हो जाएगा PM जोसेफ के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिडास्लियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, एक संगीत विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था, एक स्टेडियम के रूप में प्रसिद्ध था, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, या फिर एक तैराकी पूल के रूप में? अब बताइएगा 5 का आंसर यहां पे क्या हो सकता है? राइट आंसर होना चाहिए, सभी का उत्तर सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ए ऑप्शन, एक संगीत विद्यालय के रूप में ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर टेनिस? बताइए क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? और इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आप PGT LT के दोनों से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। टीजीटी की
पेमेंट अगर आप करना है तो 700 रुपीज करना होगा, अगर आप एलटी ग्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 1000 वहां पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा टेनिस, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया? इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानव सांस्कृतिक धरोहर है? अब इसमें से धरोहर आपको बताना है कि मानव सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है, खेल है, शिक्षा है, प्यार व स्नेह, या फिर बड़ों का आदर करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 7th का बी होगा यहां पे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो सकता है यहां पे उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जर्मनी में टर्न वेरिन आंदोलन की शुरुआत की? किसने शुरुआत की, जोहान बसेडो ने, लुडविक जॉन ने, फ्रेडरिक गटसमटस ने, या फिर इनमें से सभी ने? देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 9th नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल राइट आंसर है, लुडविक जॉन से रिलेट करता है, बी उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा। और जहां भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं डेली, वहां पे अपने मार्क्स अवश्य लिखिएगा। अगर 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो 20 में आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा, 30 क्वेश्चन 40 मिल रहे हैं तो 40 में स्कोरिंग करिएगा। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एग्जाम को बीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10th है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, लोगों ने आम स्वास्थ्य में सुधार, मनुष्यों के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, या फिर आनुवांशिक तथा वातावरण को समझना। तो 10th में क्या होगा, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? अब बताना है कि इसमें भारत में जो है मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भी डी ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोफेसर जी डी सौंधी ने शुरुआत की, लॉर्ड बार्डन पावेल ने शुरुआत की, वैट ब्रदर्स ने शुरुआत की। बताइए 11th में स्टार्टिंग हुई है ए ऑप्शन के साथ में, जी डी सौंधी के द्वारा, ए उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है टीजीटी में। किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? कथन बताना है, ये किसका कथन है, रामसे का कथन है, जोसेफ ली का कथन है, ब्राइट बिल का कथन है, या फिर जॉन ड्यू का कथन है? 12th में बताइएगा, जोसेफ ली का कथन है क्या, राइट आंसर के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? मैकडूगल ने कहा, टीपी नन ने कहा, या फिर रोज, या फिर स्टर्न? बताइएगा 13th में कौन सा होगा यहां पे आंसर, किसने ये कहा है कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ये कथन है आपका, राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, मैकडूगल से रिलेट करता है, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, या किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सरकारी निकायों के द्वारा प्रदान की जाती है, व्यापारिक निकायों के द्वारा, या फिर स्वैच्छिक निकायों? एक डी ऑप्शन है, गैर सरकारी निकायों के द्वारा। 14th, राष्ट्रीय उद्यान सेवा की बात की गई तो यह आंसर हो जाएगा सरकारी निकायों, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, योग्यताएं, विशेषताएं,
आवश्यकताएं या फिर रुचियों को सम्मिलित करना चाहिए, बताइए 15th का आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी का सही उत्तर होगा राइट आंसर के साथ में, आप सभी लोग रिपीट कर रहे हैं आंसर को। सही आंसर यहां पे हो जाएगा योग्यताएं होगा क्या, या फिर आपका विशेषताएं आवश्यकताएं से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 16th नंबर है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया, अब बताना है आपको। 1900 में अपना कार्य शुरू किया, 1908 में शुरू किया, 1960 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या यहां पे डी उत्तर सही होगा। और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है या फिर प्रैक्टिस सेट आपको पूरा फुल प्रोवाइड किया जा रहा है तो OMR सीट पे सॉल्व करिएगा, जिससे आपके सर्किल करने में गलतियां ना हो, क्योंकि अभी जो हाल ही में अगस्त में एग्जाम हुआ था TGT का, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने OMR सीट में गलतियां की थी, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए टिक सही लगाया बुकलेट में लेकिन OMR में गलती कर दी। इसलिए इस बार ऐसी गलती ना करिएगा, क्योंकि मेरिट आप लोग देख रहे हैं ज्यादा ही जा रही है, इसलिए पढ़ाई भी उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर क्या होगा, 1960 के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है अभिप्राय, लक्ष्य, प्रेरक या फिर प्रणाली। तो मुख्य अंतर क्या है, प्रणाली, यहां पे डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य आपको बताना है यहां पर, अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका पेशी समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास या फिर खेल कौशल का विकास। क्या खेल कौशल का विकास यहां पे सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया होगा। राइट आंसर देखिएगा कौन सा होगा यहां पे, ए बी सी या फिर डी उत्तर। बिल्कुल सही आंसर है, अच्छे मानव संबंधों का विकास सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है इसको आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुंजरू समिति जो होगी ये 1959 से रिलेट कर जाएगी, डी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ, 1986, 1985, 1984 या फिर 1987, डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शारीरिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए आने वाले समय में आपको उसकी भी वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं, इसलिए तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम होगा, मैरिट का काम अब खत्म हो गया है। जो मैरिट का खेल होता था, मैरिट का निर्धारण जो किया जाता था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो मेहनत आप सभी लोग करिएगा, अभी से जुट जाइएगा, तैयारी करिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। केवल TGT के बैच के लिए आप लोग को 700 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, अन्य अगर आप LT ग्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 का पेमेंट आपको करना होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा मैराथन क्लासेस की वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी, उससे आप लोग अपना आकलन अवश्य करिएगा कि 125 150 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।